मॉर्निंग, आज हम आपको टाइम एंड वर्क पार्ट 16 पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपका टाइप 2 चल रहा है, तो आइए यहाँ से हम प्रश्न को करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी कार्य को ए कितने दिन में कर रहा है, ये देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। बी किस उसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 18 दिन में। यहां से देखिए 9 और 18 का एलसीएम लेंगे, यहां पर देखिए 9 और 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम होगा, 18 होगा। यह क्या है, टोटल वर्क है, पूरा किया गया कार्य कैसे आया एलसीएम लेने पर। ये देखिए 9 और 18 का एलसीएम लेंगे कितना आया, 18 आया। यहाँ देखिए ए 9 दिन में 18 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 18 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 2 यूनिट काम करेगा। एक ही कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है। यहाँ पर देखिए बी 18 दिन में 18 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में एक काम करेगा। तो देखिए टोटल काम कितना है, टोटल काम 18 है। अब प्रश्न में देखिए कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया। ये देखिए कार्य अगर ए छोड़ दे रहा है तो कार्य कौन पूरा करेगा, बी करेगा। तो देखिए यहाँ पर बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 1 है और 3 दिन तक कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर बी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 3 का, कितना हो गया, यहाँ पर बी द्वारा कार्य किया गया 3 है, पूरा कार्य 18 है, तो दोनों से घटा देंगे तो बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा, 15 कार्य। अब देखिए 15 कार्य को यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर किए हैं। यहाँ पर देखिए ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 है और बी की एक दिन है, तो दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे 2 और 1 3, यहाँ से डिवाइड करिए, यहाँ डिवाइड करेंगे 5 दिन। ए और बी मिलकर 5 दिन तक यहाँ पर कार्य करते हैं। अब कह रहा है कि कार्य पूरा कितने दिन में हुआ, ये देखिए यहाँ पर बी ने 3 दिन काम किया है और यहाँ पर ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया है, तो पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, देखिए टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम ये देखिए उधर क्या है, 3 दिन है और ए प्लस बी के द्वारा 5 दिन है, तो कितना हो गया, 5 3 8 दिन। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 8 दिन में हुआ, यही आपका आंसर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 112 है। ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई काम है, ए और बी मिलकर कितने दिन में उस काम को कर लेते हैं, उस काम को कर लेते हैं 12 दिन में, और वही काम ए अकेला कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में कर लेता है। तो यहाँ से देखिए 12 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो देखिए यहाँ से 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। ये क्या हो गया, टोटल वर्क कैसे आया एलसीएम लेने पर। तो यहाँ पर देखिए ए और बी 12 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, यहाँ देखिए 60 में 12 से भाग दे दीजिए, कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। यहाँ पर देखिए ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60 में 20 से भाग दे दीजिए, कितना होगा, 3 काम करेगा। अब देखिए ये क्या हो गई, ए इसकी क्षमता निकल आई। यहाँ पर देखिए
ए प्लस बी की क्षमता 5 है और ए की क्षमता 3 है। तो यहां पर देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। यहां पर देखिए ए प्लस बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5 है। और यहां से देखिए ए की क्षमता कितनी है, 3 है। यहां रख दीजिए ए की क्षमता कितनी है, 3 है, प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो यहां से बी इज इक्वल टू 5 - 3, तो बी इज इक्वल टू 2। बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। लेकिन देखिए प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी मिल कह रहा है कि बी हर रोज केवल आधा काम करता है। ये देखिए बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 है, यदि आधा काम करता है तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ हो गया इज इक्वल टू 1। बी की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो देखिए टोटल काम कितना है, 60 काम है। और ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 है। और बी की यहाँ पर एक बी की कार्य करने की क्षमता क्या है, 1 है। यहाँ से डिवाइड कर दीजिए ए और बी, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 60/4, तो 15 × 60 मीन्स 15 दिन में ए और बी मिलकर कार्य को पूरा कर लेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 13 है। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है, उस कार्य को विमल को करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 50% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे, तो कितना होगा, 1/2। तो यहाँ पर देखिए कमल, के फॉर कमल, बी फॉर विमल, तो यहाँ से देखिए कमल एक काम को कह रहा है कि 2 दिन में करता है, यहाँ पर 2, और कह रहा है कि जो विमल है कमल से 50% अधिक कुशल है। देखिए जब अधिक आ रहा है तो इसमें जोड़ लीजिए, अंश हर में अंश को जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये क्षमता हो गई, किसकी क्षमता हो गई, यहाँ पर कमल की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है और विमल की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 यूनिट है। तो यहाँ से देखिए अब क्या कहता है कि टाइम, ये देखिए टाइम क्या होता है, समय एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ये देखिए अगर किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता ज्यादा है तो समय कम लगता है। तो देखिए यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि कमल को काम करने में 15 दिन लगते हैं, ये देखिए यहां से 3 यूनिट इज इक्वल टू कमल के 3 काम करने की क्षमता कमल काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। यहां से देखिए मीन्स कमल 3 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1 यूनिट काम 15/3 इज इक्वल टू 5 दिन में करेगा। अब कह रहा है कि विमल उस कार्य को कितने दिन में करेगा, देखिए विमल उस कार्य को कितने दिन में करेगा, विमल की यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 2×5 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। ये देखिए विमल का यहाँ पर कार्य कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 14 है। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो जाएं, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम यहाँ से पूरा किया गया कार्य निकाल लेते हैं, मीन्स टोटल वर्क कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए m into d, यहाँ से m into d,
एम क्या है, यहाँ पर मैन है, डी क्या है, डेज है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा। यहाँ से कह रहा है कि 20 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, 18 दिन, तो यहाँ पर 20 गुणे 18 तो पूरा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 360। तो देखिए यहाँ पर पूरा किया गया कार्य 360 है और कह रहा है कि 20 आदमी 3 दिन मिलकर काम करते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, तो 20 आदमी 3 दिन मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 20 गुणे 3। देखिए 20 आदमी 3 दिन काम कर रहे हैं तो कितना हो गया, यहाँ से 60, पूरा काम यहाँ का कितना हो गया 60। तो यहाँ पे पूरा काम है और यहाँ पर 3 दिन का काम हो गया, तो इसे घटा दीजिए, यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 300, बचा हुआ काम कितना है 300। अब कह रहा है कि 5 आदमी शामिल हो जाते हैं। देखिए पहले तो 20 आदमी थे, 5 आदमी और आ गए तो कितना आदमी हो गए, यहाँ पर 25 आदमी हो गए। तो यहाँ पर देखिए 300 भागे 25 करेंगे तो यहाँ से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दिन। यहाँ देखिए काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 12 दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 15 है। एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया, शेष कार्य को अकेले वाई ने 16 दिन में पूरा किया, दोनों एक्स तथा वाई मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर एक्स किसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 40 दिन में कर लेता है। यहाँ पर देखिए 40 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 40 ही आएगा, ये क्या हो गया 40, ये क्या हो गया टोटल वर्क, यहाँ से कैसे आया एलसीएम लेने पर। तो देखिए यहाँ पर एक्स 40 दिन में 40 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा जी, यहाँ पर एक दिन में 1 काम करेगा। यहाँ पर एक्स की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। तो देखिए यहाँ पर कार्य करने की क्षमता 1 आ गई, आगे पूरा किया गया कार्य कितना है, 40 है। अब कह रहा है कि एक्स ने 8 दिन काम किया, ये देखिए एक्स 8 दिन काम कर रहा है, एक्स की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 1 है और 8 दिन काम कर रहा है, तो यहाँ पर 8 दिन से गुणा कर लीजिए 1 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -8 कर लीजिए, तो बचा हुआ काम कितना हो गया, यहाँ पर बचा हुआ काम 32 हो गया। अब कह रहा है कि जो बचा हुआ काम है वाई ने 16 दिन में पूरा किया, ये देखिए जो बचा हुआ काम है वाई ने 16 दिन में पूरा किया, तो यहाँ 16 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर भाग देंगे तो आ गया 2। ये क्या है, बी की क्षमता है, बी की क्षमता है, बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता आ गई 2। अब हमसे पूछ रहा है कि एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये देखिए हमें एक्स की क्षमता मिल गई और यहाँ पर बी की क्षमता 2 आई है, तो यहाँ पर पूरा किया गया कार्य कितना है, 40 है। अब एक्स की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 1 है और बी की 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40/3। यहाँ पर जब भाग दे रहे होंगे तो आ जाएगा 13 सहित 1/3 दिन, यही आपका आंसर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 16 है। एक किसी कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में तथा सी 72 दिन में पूरा कर सकता है, उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चले गए, केवल सी अंत तक कार्य करता रहा, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोई काम है, यहाँ काम ए कितने दिन में करता है,
ये कह रहा है कि ए 36 दिन में करता है और बी वही काम कितने दिन में करता है, बी वही काम 54 दिन में करता है और सी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, 72 दिन में करता है। तो देखिए यहाँ पर तीनों का एलसीएम लीजिए, यहाँ से 36, 54 और 72 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 216। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। कैसे आया, एलसीएम लेने पर। तो देखिए यहाँ पर ए 36 दिन में 216 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। यहाँ पर इसकी क्षमता है, एक ए की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट है। यहाँ पर देखिए बी 54 दिन में 216 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। यहाँ क्या करना है, 216 में 54 से भाग देंगे, 4 आएगा। यहाँ पर देखिए सी 72 दिन में 216 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। तो देखिए आगे प्रश्न में कह रहा है कि, प्रश्न में कह रहा है कि उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। देखिए तीनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, मींस ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ किया। अब आगे कह रहा है जी, यहाँ पर कह रहा है कि बी काम छोड़ देता है। देखिए बी काम छोड़ देता है तो काम कौन करेगा, यार ए और सी मिलकर काम करेंगे। फिर आगे कह रहा है कि यहाँ पर ए भी काम छोड़ देता है, जब ए काम छोड़ देता है तो काम कौन करेगा, केवल सी करेगा। और प्रश्न में देखिए कह रहा है कि किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। ये देखिए अगर काम यहाँ पर पूरा हो रहा है तो यहाँ पर 12 दिन पहले काम कौन छोड़ता है, बी छोड़ दिया, तो इतना काम कौन कर रहा है, ए और सी कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर पूरा एक काम हो गया, देखिए यहाँ पर एक पूरा काम है। यहाँ पर देखिए फिर कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा कि 8 दिन पहले ए काम छोड़ता है तो मींस यहाँ पर सी कितने दिन काम किया। यहाँ पर देखिए सी ने काम किया है यहाँ पर 8 दिन। अब देखिए ए प्लस सी 12 दिन काम करते हैं और यहाँ पर सी ने 8 दिन काम कर दिया तो यहाँ से देखिए यहाँ से टोटल काम 12 दिन है और ए प्लस सी का काम कितना होगा, ये देखिए 4 दिन तो सी ने कर दिया और 8 दिन सी ने कर दिया तो ए प्लस सी कितने दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे। तो यहां से देखिए पूरा टोटल काम कितना है, देखिए 216 यूनिट पूरा टोटल काम है। तो कह रहा है कि यहां पर सी ने 8 दिन काम किया है, ये देखिए सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 है और 8 दिन काम कर रहा है तो 8 + 24 इसमें से घटा लीजिए, 24 जब घटाएंगे यहां से कितना आएगा, 192। अब देखिए 192 क्या है, यह बचा हुआ कार्य है। अब देखिए यह बचा हुआ कार्य उसके बाद ए प्लस सी कितने दिन कर रहे हैं, ए और सी मिलकर 4 दिन, तो ए और सी की कार्य करने की देखिए क्षमता कितनी है, ए की यहाँ पर 6 है और सी की कितनी है, 3 है, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 9 और कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, 4 दिन तक कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना घटा लीजिए, 9 + 36 यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 156। ये देखिए बचा हुआ कार्य अब कौन करेगा, तीनों मिलकर यहाँ पर कार्य किए हैं, बचा हुआ कार्य तीनों मिलकर किए हैं, बचा हुआ कार्य कितना है, 156 है। तो देखिए तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 + 4 = 10 और 3 = 13 यहाँ पर भाग दीजिए 13 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, = 12 दिन, यहाँ पर आ गया 12 दिन। अब कह रहा है कि
केवल सी अंत तक कार्य करता रहता, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखिए पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, ए प्लस सी 12 दिन में कर रहे हैं और यहाँ पर 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ा था, तो पूरा टोटल टाइम कितना लगा? यहाँ से देखिए टोटल टाइम यहाँ ही लिख देते हैं, ये देखिए ये 12 दिन है और इसका 12 दिन आया है, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे दोनों को, कितना आ गया 24 दिन में काम पूरा होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 17 है, ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है, बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर सकेगा? तो देखिए एक कोई कार्य है, ए कितने दिन में कर लेता है, ए 20 दिन में कर लेता है और बी वही कार्य कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में कर लेता है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 60 होगा, ये क्या है टोटल वर्क है, कैसे आया एलसीएम लेने पर। यहाँ पर देखिए ए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 60 में 20 से भाग देंगे कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट काम करेगा। यहाँ पर देखिए बी 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा, 60 में 12 से भाग देने पर 5 आया। अब देखिए जी यहाँ पर कह रहा है कि पूरा काम कितना है, पूरा काम 60 है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, ये देखिए बी की कार्य करने की क्षमता 5 है, एक दिन में 5 काम करता है, उसने 9 दिन तक काम किया, तो यहाँ पर बी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, तो यहाँ से घटा दीजिए, घटा दिए तो कितना हो गया, यहाँ पर बचा हुआ कार्य कितना हो गया, 15 हो गया। अब कह रहा है कि ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, ये देखिए बचा हुआ कार्य 15 है, बचा हुआ कार्य कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 है, तो 3 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर भाग देंगे तो 5 दिन आंसर होगा, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 18 है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ए कोई कार्य है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। यहाँ पर देखिए तीनों का एलसीएम लीजिए, यहाँ पर देखिए 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60 होगा, ये क्या है टोटल वर्क है, कैसे आया एलसीएम लेने पर। यहाँ पर देखिए ए 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, 60 को 10 से भाग देना है। यहाँ पर देखिए बी 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा, यहाँ पर देखिए 60 में 12 से भाग दे दीजिए, 5 आ गया। यहाँ पर सी 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, यहाँ 60 में 15 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को करना आरंभ करते हैं, देखिए तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, कह रहा है उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, कार्य कौन छोड़ता है, कार्य अगर ए ने छोड़ दिया तो कार्य आगे कौन करेगा, यहाँ पर कार्य बी प्लस सी करेंगे। फिर कह रहा है कि यहाँ पर बी भी कार्य करना छोड़ देता है,
तो कार्य कौन करेगा? सी करेगा। यहां से देखिए कह रहा है कि इतने दिन का कार्य कौन करता है? देखिए इतने दिन का कार्य कितने दिन में पूरा होता है? पांच दिन में। पांच दिन में यहां पर देखिए प्रश्न में देखिए कह रहा है कि ए उस कार्य को पूरा होने से पांच दिन पहले छोड़ देता है। ये देखिए पांच दिन पहले ए ने छोड़ा तो कार्य इतना बचा। तो यहां से देखिए फिर यहां इसके द्वारा किया गया कार्य है तो आगे कह रहा है कि बी उसे ए के दो दिन बाद छोड़ देता है। तो देखिए बी जो काम छोड़ता है ए के दो दिन बाद छोड़ता है, मीन्स यहां का काम कितना हो गया? यहां का काम कितना हो गया? दो दिन। ये देखिए दिख रहा है यहां पर टू डेज। यहां पर बी प्लस सी का काम कितना हो गया? दो दिन। तो यहां पर सी का कितना काम होगा? ये देखिए पूरा काम पांच है, बी प्लस सी मिलकर दो दिन काम किए तो यहां पर सी कितने दिन काम करेगा? तीन दिन, तभी ना पांच होगा। तो ये देखिए यहां पर बी प्लस सी है। तो आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि पूरा काम कितना है? साठ काम है। साठ काम है तो यहां पर सी ने तीन दिन काम किया है। ये देखिए सी ने तीन दिन काम किया है, सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? तीन है। तो यहां पर सी ने तीन दिन काम किया है तो सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता चार है। तो यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चार तिहाई बारह, तो यहां पर पूरे काम से बारह काम घटा देंगे तो कितना काम बचेगा? यहां पर बचेगा अड़तालीस काम। ये देखिए अड़तालीस काम। अब कह रहा है कि बी प्लस सी, बी और सी मिलकर दो दिन काम करते हैं। तो देखिए बी और सी, बी की इफिशियंसी पांच है, सी की इफिशियंसी चार है, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? यहां से पांच चार नौ, और कितने दिन तक काम करते हैं? दो दिन तक काम करते हैं। तो यहां से घटा लीजिए, यहां से जब घटाएंगे तो तीस आ गया। ये देखिए अब यह बचा हुआ काम कौन कर रहा है? यह बचा हुआ काम ए बी और सी तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर ए बी सी की एफिशिएंसी को जोड़ लीजिए, यहां पर जोड़ेंगे छह पांच ग्यारह चार पंद्रह, यहां पंद्रह से भाग दे दीजिए, ये क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी की कार्य करने की यहां कितने दिन में करेंगे? दो दिन में करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? दो दिन। और यहां पर काम करने में पूरा कितना दिन लग रहा है? पांच दिन लग रहा है। तो इसमें जोड़ लीजिए पांच दिन, तो यहां पर जोड़ेंगे पूरा, देखिए करा है कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, दोनों को जोड़ लीजिए कितना लगेगा? सात दिन। यहां पर आपका ऑप्शन फोर करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 19 है। ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी उससे 30 दिनों में कर सकता है, वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं, तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिनों में पूरा कर देता है, तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता था? तो देखिए यहां पर कोई कार्य है ए कितने दिन में कर सकता है? ए 20 दिन में कर सकता है। बी वही कार्य कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लीजिए, यहां पर देखिए 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 60 होगा। एक कैसे आया एलसीएम लेने पर? यह क्या है? टोटल वर्क है। तो यहां से देखिए ए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 60 में 20 से भाग देंगे तो कितना काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। एक ही कार्य करने की क्षमता 3 हो गई। यहां पर देखिए बी 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। बी की कार्य करने की क्षमता 2 आ गई। तो देखिए यहां पर देखिए कह रहा है कि पूरा टोटल काम कितना है? पूरा टोटल काम 60 है। अब देखिए पूरा टोटल काम 7 है,
सॉरी 60 है, तो कह रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं। ये देखिए 7 दिन तक कार्य करते हैं, यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 3 है और यहाँ पर बी की एफिशिएंसी 2 है, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो गया 5, और 7 दिन तक कार्य करते हैं तो 5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35, यहाँ घटा लीजिए, ये दोनों का मिलकर कार्य हो गया 35, तो टोटल कार्य से 35 घटाएंगे तो कितना हो गया 25। अब आगे कह रहा है सी अकेला शेष कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ये देखिए सी कितने दिन में इस कार्य को कर सकता है, 10 दिन में, 10 से भाग दे दीजिए, तो यहां 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 कार्य। यहां पर सी की क्षमता क्या हो गई, या क्या है सी की क्षमता हो गई, देखिए सी की क्षमता हमें मिल गई, सी की क्षमता मिल गई, तो कह रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए टोटल कार्य कितना है 60 है, और सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है 5/2, तो यहां से सॉल्व करिए 60 × 2/5, यहां से भाग देंगे, यहां से 12 × 5 = 60, तो 12 × 2 = 24, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर देगा 24 दिन में कर देगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 20 है, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए, 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है, तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर W1 मतलब किया गया कार्य कितना है 2/3 है, तो कह रहा है कि यहाँ से देखिए W2 = क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए पूरा किया गया कार्य हम मानते हैं 100% होता है, जब 100% का फ्रैक्शन निकालते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ से देखिए पूरा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर W1 ने 2/3 कार्य कर लिया है, तो यहाँ से देखिए जब घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 − 2/3, तो कितना आ जाएगा 1/3। अब देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं रिमेनिंग डे शेष दिन, शेष दिन कितना हो जाएगा, यहाँ से पूरा कितने दिन है 124 दिन तक कार्य कर रहे हैं, और उसे कब पता चलता है, करा कि 64 दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है, तो यहां से 64 घटा दीजिए, यहां घटा देते हैं, यहां 64 घटा लीजिए, यहां पर घटाएंगे तो कितना आ गया 60, शेष दिन कितने आ गए 60 आ गए। तो देखिए यहां पर इस फॉर्मूले का प्रयोग करिए M1D1 = M1D1/W1 = M2D2/W2। तो देखिए यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल कर रहा है कितने व्यक्ति हैं, कर रहा है कि 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं, M1 = 120 व्यक्ति कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 64 दिनों बाद उसे पता चलता है, मीन 64 दिन का कार्य हमें निकालना है, 64 दिन तक कार्य का कितना भाग पूरा कर लिया था 2/3। अब कह रहा है कि आगे प्रश्न में कह रहा है कि वह कितने व्यक्तियों को हटाकर, देखिए पहले कितने व्यक्ति थे 120 व्यक्ति हैं, माना उसमें से x व्यक्ति को हटा देता है, देखिए 120 − x, तब कितने दिन लगते हैं, शेष दिन यहाँ पर निकाल चुके हैं, यहाँ 60 से गुणा कर दीजिए, कार्य यहाँ पर W2 का मान 1/3 निकाल चुके हैं, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ से देखिए डिवीजन में 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कट जाएगा, कोई यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से 2 से काट दें इसको, यहाँ पर कितना आ गया 60 आ गया, देखिए यहाँ पर 60 को 60 से कैंसिल कर दें, तो यहाँ बचा
64 इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स, तो यहाँ पर इसको इस साइड लाएंगे, x इज इक्वल टू 120 माइनस 64, तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 56 व्यक्ति। यहाँ पर कह रहा है कि वह कितने व्यक्तियों को हटाकर निश्चित समय में काम पूरा कर लेगा, 56 व्यक्तियों को। यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।